नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत ज्यादा है परेशान तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना वजन कम करने के लिए आप बहुत तरह की एक्सरसाइज कर चुके हैं, बहुत तरह के डाइट प्लान फॉलो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसके साथ साथ अगर आपको डायबिटीज है, आपके जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द है, आपके हमेशा आपके शरीर में एक सुस्ती सी बनी रहती है, आपका पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है, या आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, या फिर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो आज आपकी किचन में मौजूद एक छोटी सी चीज आपकी सारी तकलीफों को जड़ से खत्म कर सकती है। प्रॉब्लम क्या होती है हमें उस छोटी सी चीज के बारे में तो पता है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल और किस बीमारी में कैसे उसका इस्तेमाल करके उसको खत्म किया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ आज अजवाइन के बारे में। अजवाइन एक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में अवेलेबल होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी चीज का सही इस्तेमाल हमें पता चल जाए तो ना जाने हम बहुत सारी बीमारियों का जड़ से इलाज कर सकते हैं घर बैठे बैठे। और सिर्फ इसके बारे में मैं नहीं, बल्कि हमारे आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में बहुत साल पहले महर्षि बांगवर जी ने लिखा था कि अजवाइन वात और पित्त नाशक है। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वात होता क्या है, और वात अगर हमारे शरीर में बढ़ जाए या उसका संतुलन बिगड़ जाए तो हमारे शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो चलिए पहले उस बारे में जान लेते हैं। वात बढ़ने के सबसे ज्यादा लक्षण क्या होते हैं? आपकी आंखों के नीचे रूखापन आने लगता है, सूख जाती हैं आपकी आंखों की जो है नजर, वो कमजोर होने लगती है। आपके शरीर में हमेशा एक सुई जैसी चुभन रहती है, हर जगह आपके ऐसा लगता है किसने सुई चुभो दी हो, दर्द सा रहता है। आपके हड्डियों में, जोड़ों में ढीलापन सा आ चुका है, आपकी हड्डियां खिसकने लगी हैं या टूटने लगी हैं, आपके शरीर में कमजोरी आती जा रही है, कंपन आने लगा है, आपके नाखून, दांत, त्वचा बहुत फीके से पड़ गए हैं और बहुत जल्दी टूटने लगे हैं, कमजोर होने लगे हैं, या आपके मुंह का स्वाद बहुत कड़वा हो गया है, आपको कब्ज की शिकायत होने लगी है। अब आप देख सकते हैं कि जितनी बीमारियां मैंने आपको बताई हैं ये सारी किस कारण आती हैं? वात के कारण आती हैं। तो अगर आपके शरीर में भी पाचन तंत्र बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, एसिडिटी हो रही है या ये सारी तकलीफें हो रही हैं, तो आप खुद जानिए कि अजवाइन का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इन सारी बीमारियों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। साथ में दूसरा जो दोष होता है, जब वो असंतुलन हो जाए, यानी जो पित्त होता है अगर उसका संतुलन बिगड़ जाए तो हमारे शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आने लगती है। अगर आपका जो पित्त बिगड़ जाता है तो आपका मोटापा सबसे पहले बढ़ने लगता है, क्योंकि इससे आपकी जो जठराग्नि है, आपका पाचन तंत्र बहुत स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाता है, आप कुछ भी खाते हैं वो आपके फैट में कन्वर्ट होता है, सीधा आपके एनर्जी में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। तो पित्त अगर दोष आपका बिगड़ा है तो आप मोटापे के शिकार हैं, या आपका वजन कम नहीं हो रहा तो समझ लीजिए कि आपका पित्त का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है आपके शरीर में। इससे आपको लूज मोशन हो सकते हैं, या आपको बवासीर हो सकती है, इसके जो संकेत होते हैं, जो इसके लक्षण होते हैं, या आपको बहुत ज्यादा कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ा रीजन क्या होता है इसका दूसरा, आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लगेगा, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो जाएगी, आपको दिल की बीमारी हो जाएगी, या हार्ट अटैक हो जाएगा, या अल्सर हो जाएगा आपको। ये सारी तकलीफें आपको फेस करनी पड़ सकती है अगर आपका पित्त बिगड़ा हुआ है तो। इसके साथ साथ अगर आपके बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, या आपकी जो त्वचा है बहुत ढीली पड़ गई है और आपका जो रंग है वो बिल्कुल पीला सा पड़ता जा रहा है, खून की कमी दिखने लगी है, या आपको हमेशा यूरिन पास करते हैं उसमें जलन होने लगती है, आपको पसीना या बहुत ज्यादा आता है, या आपको हमेशा बेचैनी फील होती है, या शरीर में आपके कहीं भी फोड़े फुंसी या पिंपल्स की बहुत ज्यादा शिकायत है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में जो है पित्त जो है वो असंतुलन हो गया है, पित्त का जो संतुलन था वो बिगड़ चुका है। तो अजवाइन एक ऐसी चीज है जो इन सारी चीजों को से खत्म कर सकती है। अजवाइन का इस्तेमाल कैसे करें जिसकी वजह से हम इन सारी बीमारियों से बच सकें, हमारे शरीर में वात और पित्त का संतुलन बना रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक चम्मच अजवाइन को सुबह एक गिलास पानी में उबालना है और उसको खाली पेट पीना है। खाली पेट पीने के बाद जो पानी आपने पी लिया उसके बाद अजवाइन को चबा चबा कर खा लेना है। अगर आप ऐसा रोजाना करेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से बच पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपको डायबिटीज है, अब आपने कभी सोचा है कि आपको डायबिटीज होती क्या है, या डायबिटीज क्या चीज है, ऐसी क्या बला है जिसको हम जिंदगी भर के लिए सोचते हैं कि वो लाइलाज है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दवाई दे देता है कि बस आपको डायबिटीज है, आपको डेली ये दवाई खानी है, लेकिन वो कभी हमें नहीं बताता कि इसका इलाज भी है, इसको जड़ से खत्म भी किया जा सकता है, और डायबिटीज होती क्यों है। लेकिन आज ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। जब हमारे शरीर में पेनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना बहुत कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो बहुत बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी पाचन ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य क्या होता है, शरीर के अंदर जो भोजन होता है ना उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है।
लेकिन डायबिटीज हो जाने पर शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में कठिनाई होने लगती है क्योंकि ये वीक हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर में बहुत जगह पहुंचने लगता है और बहुत जगह पहुंचने के बाद ये हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि आप डायबिटीज को खत्म नहीं कर सकते। अगर आपके जो ये शरीर में पाचन क्रिया है वो ढीली पड़ गई है, जो आप रोजाना जिंदगी में अपना मीठा खा रहे हैं वो आपका ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पच नहीं पा रहा, तो उसको पचाने के लिए आप अजवाइन वाला पानी अगर आप पियेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका खाना जो है अच्छे से पचने लगा है, आपके बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया है और जिससे धीरे धीरे आपकी जो डायबिटीज है वो जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी जो परमानेंट गोली थी वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ऐसा ही अगर आपको हाई बीपी रहता है, आप सोचते हैं कि हाई बीपी क्या चीज है, जब हमारे शरीर में जो खाना है ना वो सड़ने लगता है, जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं हमारा जो शेड्यूल है वो पूरे दिन का खराब हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, खाना सड़ने लगता है पचने की जगह, तो वो हमारे हर जगह ना ब्लड का क्लॉट बनाने लगता है, जिससे कि हमारा दिल तक हमारा जो है खून ठीक से पहुंच नहीं पाता, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, बीपी हाई होने पर हमें सीधा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट फेल हो सकता है या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपको इनमें से कोई भी तकलीफ ना हो, आपका बीपी कंट्रोल रहे, तो कुछ मत करो, सुबह उठकर डेली कम से कम 4 से 5 ग्लास पानी पियो, जिससे कि आपकी शरीर जो है अंदर से बिल्कुल साफ होगा, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा और अजवाइन वाला पानी पीना शुरू करो। दूसरी चीज, अगर आपके शरीर में कहीं जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, गठिया की समस्या है बहुत पुरानी, तो आप दवाई कर रहे हैं ठीक बात है, लेकिन आपको उससे फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो मेरा ये नुस्खा जरूर ट्राई करें कि जो हमारे गठिया होता है, जो जोड़ों में दर्द होता है, नसों में सूजन होती है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ना यूरिक एसिड बढ़ जाता है, मसल्स हमारी कमजोर हो जाती हैं। तो पहली चीज, आपने अपनी डाइट पे ध्यान देना है, अच्छी डाइट लेनी है। और यूरिक एसिड क्यों बना, जब हमारे शरीर में खून में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड कैसे बनता है, जब हमें खाना पचता नहीं है बल्कि वो हमारे शरीर में सड़ने लगता है, तो वो एसिड बनना शुरू हो जाता है। पानी के साथ साथ आप इसका अजवाइन का सेवन करें, तो अजवाइन आपके शरीर से सारे दर्दों को, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से एकदम दूर कर देगी। आप चाहे तो अजवाइन वाले पानी में थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हैं, जिससे आप खुद नोटिस करेंगे कि इससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आपके ज्वाइंट पेन कैसे गायब हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके साथ साथ जिन लड़कियों को अगर जब पीरियड्स होते हैं तो बहुत ज्यादा जब दर्द होता है, तो उसके लिए भी आपको मैं बता देती हूँ कि 4 चम्मच आपने कच्ची अजवाइन लेनी है, 2 चम्मच सेंधा नमक पीस कर दोनों को मिलाकर आधा आधा चम्मच 3 बार फक्की लेनी है रोजाना। इससे आपके पीरियड्स में आपको बिल्कुल पेन होना बंद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीरियड्स कितने अच्छे तरीके से निकल गए और आपको पेन भी नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से करें। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट करिएगा और इन सब चीजों को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि एक अजवाइन का चम्मच आपकी जिंदगी बदल देगा, इतनी सारी बीमारियों से आप बच पाएंगे और वजन तो इतनी तेजी से कम होगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसी कुछ नई इनोवेटिव वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।